बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद तंजीला। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मैकरोनी को एक नए स्टाइल में, जिसका नाम है चिकन टिक्का मैकरोनी। इस स्टाइल में मैकरोनी बहुत ही मजे की बनती है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर किया करें। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टिक्का मैकरोनी में सबसे पहले हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए जो चीजें मैं रिक्वायर हैं वो ये हैं। 500 ग्राम मैंने लिया है चिकन, जिनको मैंने इस तरह क्यूब्स में कटिंग कर लिया छोटा छोटा, ये बोनलेस है। 1 टीस्पून मुझे चाहिए रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून चाहिए नमक, 2 टेबलस्पून मुझे चाहिए सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला, 1/2 कप चाहिए दही। अब सारी चीजों को हम मैरिनेट कर लेंगे। हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम सारी चीजें डाल देंगे। चिकन ऐड करेंगे, चिली पाउडर, टिक्का मसाला, ब्लैक पेपर, नमक, सोया सॉस, सिरका, दही ऐड कर देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। और उसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसे सारा टेस्ट चिकन में आ जाए। रेफ्रिजरेटर में रखेंगे इसको। हमने एक खुले मुंह की पतीली ली है, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे, और हम इसमें अपनी 400 ग्राम मैकरोनी ऐड कर देंगे। जब आपके पानी को जोश आने लगे तब आप ऐड करेंगे, और इसको 10 मिनट तक बॉईल कर लेंगे, फिर हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि ये नीचे ना लग जाए। टेन मिनट्स तक हम इसको पकने देंगे। हमारे चिकन के पड़े हुए 1 घंटा गुजर चुका है, अब हम अपनी मैकरोनी रेडी करेंगे। 1 कप हमें चाहिए टोमेटो प्यूरी, ये हमने 2 टोमेटोस की रेडी की है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप इस रेसिपी के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको इसकी रेसिपी जरूर सिखाऊंगी। 1 हमें चाहिए कैप्सिकम छोटे साइज की, इसको हमने अच्छी तरह चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून मुझे चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, अनियन चाहिए इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, 1 भरी चाहिए गाजर इसको भी मैंने अच्छी तरह क्रश कर लिया है, ग्रीन चिली चाहिए छोटे साइज की, 4 टेबलस्पून हमें चाहिए कैचअप। अब हम अपनी मैकरोनी रेडी करेंगे। एक नॉनस्टिक पैन लिया है हमने, इसमें हमने 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, इसमें हम अपनी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इसको हमने 1 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह पका लेंगे इसमें। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि अपने पानी में अच्छी तरह पक जाए। जी तो हमारा चिकन टिक्का रेडी हो गया है, पानी सारा ड्राई हो गया था, फिर हमने इसकी भुनाई कर ली है तकरीबन 2 मिनट। 1 से 2 मिनट हम इसकी और बनाई करेंगे ताकि जल्दी से पक जाए और इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा हो जाए। हमारा चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमने इसे 2 से 2.5 मिनट और बुनाई कर ली है इसकी। अब हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे, अच्छी तरह कर लेंगे इसको मिक्स, और इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें अपनी गाजर भी ऐड कर देंगे,
मिक्स करेंगे इसको। इसको भी बहुत ज्यादा हमें कुक नहीं करना, बस हल्का सा सोते ही करना है। हमारे सारे वेजिटेबल्स और चिकन अच्छी तरह कुक हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब हम इसमें टमाटो प्योरी ऐड कर देंगे। सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम अपनी टमाटो केचप भी ऐड कर देंगे। सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम इसमें अपनी ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। हमारी सारी वेजिटेबल, चिकन सब कुछ अच्छी तरह कुक हो गया है। अब हम इसमें अपनी मैकरोनी ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने अपनी मैकरोनी इसमें ऐड कर दी है और अच्छी तरह मिक्स कर लिया है इसको। आप 1 से 2 मिनट इसको पकने देंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। जी तो हमारी चिकन टिक्का मैकरोनी रेडी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताया करें आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।